हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप सभी 58,189 पंचायत सहायकों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो है हम आप सभी पंचायत सहायकों के पेमेंट करने को लेकर बताएंगे। यानी कि फ्रेंड्स, आप सभी पंचायत सहायकों को जो है पेमेंट की अनुमति किस महीने से दी जाएगी, आज के इस वीडियो में जो है इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके साथ में जो है आप लोगों को ये भी बताएंगे कि जल्द ही जो है आप लोगों का मानदेय बढ़ने वाला है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप सभी पंचायत सहायकों का जो है अब संघ बनना प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ये आप सभी पंचायत सहायकों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी पंचायत सहायकों को बता दें कि आप लोगों में से बहुत ही कम पंचायत सहायक ऐसे होंगे जिनके द्वारा जो है अपने ग्राम पंचायतों के पेमेंट किए जाते होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि पंचायत सहायक के ऑफिशियल नोटिस में, या यूं कहें कि पंचायती राज निदेशालय से ये आदेश जारी किया गया था कि ग्राम पंचायत में जो भी कंप्यूटर सिस्टम लगा है वहाँ से जो है अब ग्राम पंचायत की सारी चीज़ों का जो है पेमेंट किया जाएगा, और ये जो पेमेंट होगा ये पंचायत सहायक के माध्यम से ही किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो है ये नियम बहुत ही कम ग्राम पंचायतों में लागू हुआ है, या यूं कहें कि मात्र 1-2% ग्राम पंचायतों में जो है पेमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो है 99 या 98% ऐसे ग्राम पंचायत है जहाँ पर जो है पेमेंट ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर से नहीं किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि ये जो पेमेंट है ये जो आपके ब्लॉक पर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उन्हीं के द्वारा जो है आपके ग्राम पंचायतों में या ब्लॉक से ही पेमेंट कर दिया जा रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि ये जो ब्लॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जिनकी नियुक्ति बहुत ही पहले की गई थी, तो फ्रेंड्स अगर उनके द्वारा ग्राम पंचायतों में आकर पेमेंट वगैरह किया जाता है तो उन कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा ग्राम प्रधानों से अच्छे खासे रकम लिए जाते हैं। एक पेमेंट का जो है उस कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा ग्राम प्रधानों से 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये तक ले लिया जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, 10 बार जो है फ़ोन करने पर जो है उस कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा ग्राम पंचायत में आकर पेमेंट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस बात को लेकर जो है कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान और कंप्यूटर ऑपरेटरों में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फ्रेंड्स ये मामला जो है बहुत से ग्राम पंचायतों में निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स, अब जो ब्लॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और जो ग्राम प्रधान हैं इन दोनों लोगों के प्रति जो है अब बिहेवियर ठीक नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में जो है बहुत से ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों द्वारा DPRO और यहां तक कि DM को भी जो है पत्र लिखकर इसके बारे में अवगत कराया गया है कि सर, जो पंचायती राज निदेशालय द्वारा, यानी कि जो पंचायती राज निदेशालय द्वारा आदेश जारी किया गया था कि ग्राम पंचायत में जो कंप्यूटर सिस्टम लगा है उसी के माध्यम से जो है जो ग्राम पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात है उसी के द्वारा जो है पेमेंट किया जाएगा, तो इसके बारे में जो है ग्राम प्रधानों द्वारा DPRO और DM को पत्र लिखकर इसका जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सर, ग्राम पंचायतों में जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उन्हीं के द्वारा जो है ये पेमेंट करवाया जाए। तो फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं जो है आप सभी पंचायत सहायकों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप सभी पंचायत सहायकों द्वारा ये पेमेंट किया जाएगा तो इससे जो है आप लोगों का पहले डोंगल बनेगा, डोंगल बनने के बाद जो है आपका मोहर वगैरह भी बनेगा, और आप सभी लोग जो है अपने ग्राम पंचायतों में जो भी पेमेंट की प्रक्रिया होती है इसका भुगतान जो है ये आप ही के द्वारा किया जाएगा। और फ्रेंड्स, ये मामला जो है बहुत से ग्राम पंचायतों में निकल कर आ रही है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि कुछ ग्राम पंचायतों के पंचायत सहायक ही जो है अब पेमेंट करना शुरू कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, जल्द ही जो है इस बात पर राज्य सरकार द्वारा अमल भी किया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी न्यूज है आप सभी पंचायत सहायकों के लिए। अगर फ्रेंड्स आप सभी पंचायत सहायकों द्वारा पेमेंट किया जाएगा तो इससे जो है आप लोगों की ऊपरी कमाई भी हो जाएगी, और साथ ही साथ जो है आप सभी लोगों को ग्राम पंचायतों में क्या काम हो रहे हैं, कौन सी योजनाएं आ रही है, किसके लिए कितने बजट का भुगतान किया जा रहा है, आप लोग जो है इस बात को बखूबी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही सब प्रक्रिया चलता रहा तो जुलाई से जो है लगभग सभी पंचायत सहायकों को अपने ग्राम पंचायतों में जो भी काम वगैरह हो रहा है इसके पेमेंट की जो है अनुमति दे दी जाएगी।
और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि आप सभी पंचायत सहायकों का जो है संघ बनना भी स्टार्ट हो गया है। और फ्रेंड्स इस संबंध में जो है अब बहुत से जिलों के बहुत से ब्लॉकों में जो है चुनाव वगैरह भी कराए जा रहे हैं, अध्यक्ष पद के लिए, जिला महामंत्री पद के लिए, जिला अध्यक्ष के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो है अब बहुत से जिलों में चुनाव होना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये कहीं ना कहीं आप सभी पंचायत सहायकों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि फ्रेंड्स जिस भी विभाग या जिस भी नौकरी का संघ मजबूत होता है उसका जो है मानदेय या यूं कहे सैलरी और साथ ही साथ जो है परमानेंट होने की उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कि फ्रेंड्स आप लोग जो है ग्रामीण सफाई कर्मियों को ही देख लीजिए, इनका संघ मजबूत होने की वजह से जो है इनकी सैलरी 37,000 रुपये पर मंथ कर दी गई है। और साथ ही साथ जो है अब इन्हें हटाया जाना भी जो है किसी भी सरकार के लिए इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स ये संघ बनना जो है आप सभी पंचायत सहायकों के लिए काफ़ी बड़ी बात रहेगी। अगर आप लोगों का जो है संघ बन जाता है तो इससे जो है आप लोगों के मानदेय में जल्द ही वृद्धि देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चले अगले वीडियो में मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।